पर बस स्टॉप तो है लेकिन बस स्टैंड नहीं है बैठने की, किसी की कोई इंतजाम नहीं है बैठने का। उसके बाद जो है ना इतनी इतनी देर बाद इस गाड़ी आती है और भेड़ बकरियों की तरह यहाँ पे वाम खड़ी होती है। ठीक है, हॉस्पिटल का है या मतलब हॉस्पिटल ना, हॉस्पिटल का तो इंतजाम बिल्कुल ही ना धर्म भरम है। मतलब मुसाफिर आते हैं हॉस्पिटल आने जाने के लिए भी, तो कोई भी यहाँ पर उनके लिए सहूलियात, कोई सहूलियत कोई भी इंतजाम नहीं इन्होंने बनाया। बारिश आए, तूफान आए, इतनी तेज धूप आए। अभी मेरी बात सुने, अभी इधर कोई सवारी खड़ी होगी ना, बारिश आ गई या धूप है ना, रिक्शे में बैठ जाएगी सवारी आके। बारिश इंतजाम तो कोई ना कोई होना चाहिए ना यहाँ पे, बारिश आ गई वो क्या करेगा, और परसों बारिश आई है सारी भीगी वहाँ। ठीक है, हमारे स्टूडेंट्स भी जाते हैं, बच्चे बड़े सारे जाते हैं। क्या सहूलियात दी जानी चाहिए मुसाफिरों को? इनके ऊपर जो छत लगानी चाहिए, ठीक है, उसके स्टॉप बनाना चाहिए, बस स्टैंड बनाना चाहिए और महंगाई कम करनी चाहिए। पीने का साफ पानी तो रखें बिल्कुल, ये इधर वॉशरूम नहीं है इधर, यहाँ पे बंदे वॉशरूम करते हैं द्वारों में, इतने गंदे लोग हैं, इतने इधर वॉशरूम करते हैं लोग, कोई वॉशरूम का इंतज़ाम नहीं है, कोई बैठने का इंतज़ाम नहीं है, कोई छत का इंतज़ाम नहीं है। ठीक है, अभी देखें ये खड्डे देखें, ये खड्डे इन्होंने बनाए ना पत्थर नहीं को उठाने के लिए यहाँ पे आया, ऐसी इंतजामी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप, क्या काम करते हो? रिक्शा चला रहे हैं। रिक्शा चलाते हैं, रिक्शा यहीं खड़ा है आपका? यहीं। तो आप देखते हो रोजाना की बुनियाद पर, हम अभी भी देख रहे हैं कितने मुसाफिर हमारे खड़े हैं रोड पर धूप में, इतनी गर्मी का मौसम है, तो किस तरीके से और ख्वार होते हैं यहाँ पर? ये कोई नई बात नहीं, पाकिस्तान में जब से आज़ाद हुआ ना तब से ये हो रहा है। एक आया था लीडर इमरान खान, उसको उन्होंने जेल में भेज दिया, वो इंशाल्लाह वापस आएगा, तो ऐसा ऐसा मुल्क जो है ना तरक्की की तरफ चल पड़ेगा। तो ये हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है? अक्सर हमने देखा है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, वो लोकल ट्रांसपोर्ट ही इस्तेमाल करते हैं कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में आने जाने के लिए, तो हमारे जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए क्या कर रहे हैं ये लोग? उनके लिए कुछ भी नहीं कर रहे, ये सिर्फ अपनी जेबें भर रहे हैं और लंदन में अपने मकान बना रहे हैं। बेकार बेकार, किसी के लिए जो है ना अच्छे के लिए नहीं है, कुछ नहीं है, बेकार है, बेकार है। इन्होंने ये पैसा डालना जेबों में, लंदन चले गए ना, किसी गरीब का कोई सोचने वाला नहीं है यहाँ पे, किसी गरीब का कौन सोचेगा? ठीक है, ये इमरान खान सोचेगा, कौन सोचेगा भाई रा के? ठीक है, जब हम खुद सोचेंगे 5 सालों के बाद, हम खुद सोचेंगे वोट किसको देना है। ये कहते थे ना वोट की इज्जत हो, ये वोट को इज्जत देगा, ये इनको इज्जत हम दे दिए ना, ये हमें इज्जत नहीं दे रहे, हमें इज्जत नहीं दे रहे, हमने तो इज्जत दे दी वोट दे के, ये हमें इज्जत नहीं दे रहे। 2000 का चलान है यहाँ पे, सिंह सिंह का 2000 का मैडम, 2000 का फाइन मेरे पास, 3 दिन के चलान है, तीन दिन के चलान है मेरे पास, मेरे पास मैसेज मौजूद है। तो किस चीज़ का चलान? यहाँ पे चलान होते हैं ट्रैफिक के, ये साइड पे खड़े हैं चलान कर देंगे, मेरे पास 2000 के तीन चलान है, 3 दिन के 6000 रुपये का चलान है। 2000 कमा लेते हो जो चलान? 2000 में दिहाड़ी नहीं लगाता, 2000 कमाता नहीं हूँ, ये 2000 के चलान कर देते हैं। ये गवर्नमेंट ने जो इशू बनाया ना कि दो देख रहे हैं, मतलब लेडीज भी खड़ी हैं पीछे, भी लेडीज खड़ी हैं। नहीं मैडम, कोई इंतज़ाम नहीं है इधर, कोई इंतज़ाम नहीं है, ये सिर्फ बैठने का कोई इंतज़ाम नहीं है। लोकल बसेस भी यहीं पे ही खड़ी हैं और मतलब देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग बेचारी इन लोगों के रिक्शों में जाके बैठ जाती हैं, धूप से खुद को बचाने के लिए, बारिश बूंदी से खुद को बचाने के लिए।